नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमचंद्र, वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी देहरादून से बोल रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, नर्सिंग फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और अन्य जितने भी स्टाफ्स हैं मेंबर्स, आज जैसे कि आपको मालूम है, टुडे इज द इंटरनेशनल नर्सिंग डे एंड द स्लोगन फॉर द डे इज ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर द फ्यूचर। जैसे कि आपको मालूम है, यह दिन हर साल इंटरनेशनली मनाया जाता है और फ्लोरेंस नाइटेंगेल, जिसने कि इस प्रोफेशन की शुरुआत की थी, हालांकि वो एक खुद अपने में नर्सिंग पर्सनल नहीं थी, सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जो कि आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन बन चुका है। इस शुभ अवसर पर मैं विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी लोगों को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि आपने एक ऐसे प्रोफेशन में प्रवेश किया है जिसका मकसद जन सेवा है, और इस संसार में जन सेवा से बड़ी और कोई समृद्धि नहीं है, कोई सेवा नहीं है। खासकर आपने देख लिया आज के इस पेंडेमिक कोविड के टाइम पे, सब कुछ अपने पास धरा रह जाता है, सिर्फ क्या बची है, इंसानियत बची है और सेवा भाव बची है। अगर आप अरबपति हैं तो भी आप घर में दो ही रोटी खा पा रहे हैं, अगर आप मजदूर हैं तो ही दो रोटी खा रहे हैं। तो बचता क्या है संसार में, केवल सेवा भाव। और ये सेवा भाव करने का जो सुअवसर है, ये भगवान ने केवल आपको दिया है। मैं आपको और आपके माता पिता लोगों को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने अथक प्रयास करके आपको इस प्रोफेशन में भेजा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमने इस प्रोफेशन में प्रवेश तो कर लिया, मगर हमें अपने धर्म के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में पूरा पता होना चाहिए। मुझे मालूम है कि खाली पेट कभी सेवा नहीं होती, तो ये व्यवसाय के रूप में भी सामने आ चुका है। और अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में अगर देखें कि डॉक्टर्स, नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत नर्सिस की होती है, तो नौकरी भी अपनी जगह पर है, मगर सेवा भाव से अगर आप कोई काम करेंगे तो उसका रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। तो आज का ये सुअवसर जो दिन है, हमें इसकी याद दिलाता है कि हम जन सेवा और जनमानस के लिए बने हुए हैं। और आज आप देख रहे हैं कि कोविड के टाइम पे हमारी नर्सिंग फ्रेटर्निटी चिकित्सकों के साथ मिल करके, पैरामेडिक्स के साथ मिल करके एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। अब मुझे बहुत दुख है और मैं शोक भी व्यक्त करता हूं कि हमारे कुछ साथी चिकित्सक और नर्सिंग पर्सनल या पैरामेडिक्स की ये काम करते करते उनकी मृत्यु भी होगी। मेरी संवेदना उनके साथ है। आज मैं दो पहलू में बात करूंगा, एक तो आप एज ए टीचिंग प्रोफेशन के हिसाब से प्रिंसिपल्स एंड फैकल्टी मेंबर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना स्टैंडर्ड बना के रखिए। और मैं इस समय जब से आया हूँ, आपने मेरे काम करने का तरीका देख लिया है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप आगे बढ़िए, एक कदम मैं चार कदम आगे बढ़ूँगा। सारी सुविधाएं प्रदान मैं कराऊँगा, स्टेट आपको कराएगी, और साथ में जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको अव्वल किस्म की आप शिक्षा दीजिए। अब दूसरा मेन मकसद हमारा आज के दिन, शायद ये एक बहुत बड़ा प्रण हमें लेना पड़ेगा, इस समय उत्तराखंड हमारी एक पैंडेमिक कोविड से त्रस्त है।
दिन प्रतिदिन हमारे कोविड 19 के केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे कल 7,000 के आसपास थे और मृत्यु जो है 118 के आसपास थी, इससे ज़्यादा भी मृत्यु हमारे यहाँ हो चुकी है। ये कारण ये है, दो तीन कारण जो हमने विश्लेषण किए हैं। एक तो इस बार इस कोविड 19 वायरस कोरोना में म्यूटेशन काफ़ी हो चुका है, जिसके कारण इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है, विरुलेंस बढ़ गई है, सेकेंडरी अटैक रेट उसका काफ़ी बढ़ गया है और एकदम एक व्यक्ति से काफ़ी व्यक्ति में संक्रमण फैल जा रहा। और इसके साथ हमने देखा इस बार कि यंग जनरेशन को भी पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है। तीसरी खास बात हमने देखी, जो मृत्यु दर हमारी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसका एक हिस्सा जो जिम्मेदार है वो हमारी जनता भी है। इसमें जनता अपने जो लक्षण है उसको छुपा रही है, या तो क्वैक से दवा ले रही है या पूरी दवा नहीं ले रही है। जब उनका सेचुरेशन बहुत कम हो जाता है तब वो अचानक हॉस्पिटल में आते हैं और आते ही 24 घंटे या 48 घंटे में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज के दिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस जनता को जो है बचाने के लिए, जो कि हमारा परम धर्म है, आप दो काम करें। इस समय हमारे पास देखिए 27 से 30 नर्सिंग कॉलेज हैं और टोटल मिला के इस विश्वविद्यालय के पास कम से कम 5,000 नर्सिंग बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्रधानाचार्य प्राचार्य महोदया से और फैकल्टी महोदयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों को ये वीडियो भेजें, संदेश दें कि घर घर वो प्रचार करके बताएं कि अगर आपको कोई भी तकलीफ जो कि कोरोना से संबंधित है, सिम्टम्स आते हैं, तो तुरंत नियरेस्ट जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कोविड सेंटर में जाके अपना उपचार कराएं और साथ में टेस्टिंग कराएं। टेस्टिंग का इंतज़ार मत करें, ट्रीटमेंट चालू कर दें। मैं आपको बता रहा हूं 15 दिन के अंदर हम इस पर काफ़ी विजय प्राप्त कर लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारी एक एडवाइजरी कमेटी बनी है जिसका मैं खुद मुखिया हूँ। गवर्नमेंट को हमने एक रिक्वेस्ट की है कि उत्तराखंड में मास प्रोफाइल एक्सेस शुरू कर दी जाए। तो आइवरमेक्टिन की 12 मिलीग्राम की गोली एक सुबह एक शाम 3 दिन तक हमने प्रिस्क्राइब की है, जो कि लैक्टेटिंग मदर्स को, प्रेग्नेंट मदर्स को और 2 साल से कम के बच्चों को नहीं देनी है। बाकी आप किसी को भी ये दे सकते हैं। इस समय अमूमन हमने हिसाब लगाया कि 70 लाख पॉपुलेशन उत्तराखंड में ये अधिकृत है जो कि ये ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देंगे। गवर्नमेंट द्वारा जियो कर लिया गया है और एक हफ्ते के अंदर प्रिक्योरमेंट पूरा हो करके हम इस प्रथा को शुरू कर देंगे। पैकेट के रूप में आंगनबाड़ी और ANM या आशा, ग्राम पंचायत के जो स्वयंसेवी हैं, घर घर जा कर के हम दरवाज़ा खटखटाएंगे और इस दवा को हम प्रचुर मात्रा में देते हुए एक प्रोफाइल एक्सेस करेंगे। और ये दवा का एक अच्छा गुण ये है कि ये ट्रीटमेंट भी साथ में कर देता है, तो इससे हमारी जो इस समय कोरोना की चेन है वो ब्रेक हो जाएगी और हम अपने साथ में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि आपको पता है कि 2 गज की दूरी, मुंह में मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, हाथ को हाथ धोना, इन चीज़ों का प्रचार भी मेरे बच्चे जो हैं गांव-गांव जाके करें, अपने घर में, पड़ोसी में और लोगों को, और इस वीडियो को 10 लोगों तक पहुँचाएँ। और सरकार की जो मशीनरी है एक हफ्ते के अंदर वो चालू हो जाएगी आइवरमेक्टिन को बांटने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जन प्रतिनिधि के रूप में और इस विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते आज आप शपथ लीजिए कि आप बेड़ा उठा लीजिए कि उत्तराखंड में कोरोना को हमें किसी भी तरीके से बाहर करना है और वो भी शॉर्टेस्ट पीरियड में। और जैसे ही ये हमने जियो ऑलरेडी कर दिया है और आप तुरंत जहाँ जहाँ तक आपकी पहुँच है लोगों को समझाएं कि ये जो दवा दी जा रही है ये हमारे भले के लिए है, इसका सेवन अवश्य करें। और कभी भी कोई तकलीफ होने पर वो छुपाया नहीं, एकदम नियरेस्ट कोविड सेंटर पर आ करके अपना उपचार शुरू करें। बस आज के नर्सिंग डे के लिए ये सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि होगी कि आपकी यह राय एक जन सेवा के लिए औषधि के रूप में साबित होगी। एक बार मैं पुनः आज इस नर्सिंग डे पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।